हाय बच्चों, आपका स्वागत है गुरुजी इंजीनियरिंग में। यदि आप आईटीआई या डिप्लोमा कर रहे हैं तो हमारे चैनल गुरुजी इंजीनियरिंग को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं बिल्डिंग ड्राइंग में। आज हम आपको पढ़ाएंगे प्लान। प्लान एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम अब आपको वही सब क्वेश्चन कराएंगे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ज़्यादा क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, कम से कम ये क्वेश्चन आपका 20 नंबर, 15 से 20 नंबर का क्वेश्चन आएगा आपके पेपर में, और मोस्टली पर ईयर आपका ही क्वेश्चन आता है। चलिए प्लान देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक लाइन प्लान आपको इस प्रकार से शो करेंगे एग्जाम में। ठीक है, जिसको आपको उसका प्लान और सेक्शन बनाना होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। यहाँ पर एक इस प्रकार से लाइन प्लान आपको दिया है और नीचे कुछ आपको डिटेल दी गई है। पहले डिटेल देख लेते हैं, फिर आपको बताते हैं लाइन प्लान किस प्रकार से हम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखा है ड्रॉ द प्लान फ्रंट एलिवेशन एंड सेलेक्ट सेक्शनल एलिवेशन ऑफ फॉर ए लाइन। ठीक है, ऑल वॉल 30 सेंटीमीटर की, जो इसमें सभी वॉल हमको लेनी है वो 30 सेंटीमीटर की लेनी है। हाइट ऑफ रूम आपको 3.5 मीटर की हाइट लेनी है, जो आप स्लेब दिखाओगे फ्लोर से, और डेप्थ ऑफ फाउंडेशन 90 सेंटीमीटर, और आपकी विड्थ ऑफ फाउंडेशन भी 90 सेंटीमीटर की, 90 सेंटीमीटर। प्रोवाइडेड ड्रॉ विंडो एट सुटेबल प्लेस। ठीक है, आप तो विंडो और डोर सुटेबल प्लेस पर प्रोवाइड करने हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन में आपके इस प्रकार से एक लाइन प्लान दिया गया है। लाइन प्लान में आपको 2 बेडरूम, 1 बाथरूम दी गई है, 1 किचन और बरामदा दिया गया है। ठीक है, अब देखिए जो आपको लेंथ दी गई है 3.5 × 3.5 मीटर, और दूसरा दिया है आपको बेडरूम 4 × 3.5 मीटर का, और बाथरूम आपको दिया है 1.5 × 2.5 मीटर का। ठीक है, और किचन आपको दिया है 2.5 × 2.5 मीटर का। ठीक है, अब जो ये डायमेंशन लिख के रखते हैं, ठीक है, आपको किसी भी लाइन प्लान में जो डायमेंशन लिखे रखते हैं, ये ओनली इनर डायमेंशन होती है। ठीक है, ये ओनली इनर डायमेंशन होती है, यानी कि एल इंटू बी, लेंथ इंटू विड्थ। ठीक है, तो ये लेंथ जो होगी ये इनर लेंथ होगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक की 3.5, और इसी प्रकार से यहाँ से लेकर यहाँ तक की ये विड्थ होगी, ये भी कितनी आपकी 3.5। क्लियर, समझ रहे? इसी प्रकार आपका जो नेक्स्ट बेडरूम है उसी में भी ऐसे ही होगा। यहाँ इनर ये वॉल है, बीच में जो लाइन दिखाई दी है ये वॉल है 30 सेंटीमीटर की, ये आपकी 4 मीटर, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की विड्थ आपकी कितनी है 3.5 मीटर। ओके, अब देखो, अब हमको लाइन प्लान को ड्रॉ करना है। हम किस प्रकार से ड्रॉ करेंगे? लेंथ लेंथ को इकट्ठा जोड़िए और साथ में प्लस करिए वॉल को। ठीक है, इनर वॉल को आपको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनर वॉल के बाद ही हम पूरा सेक्शन ड्रॉ करेंगे। अब देखिए 3.5 एल और 4 मीटर, मैंने क्या किया 3.5 और 4 मीटर यहाँ पर जोड़ा, और वॉल आपकी कितनी है 30 सेंटीमीटर की, यानी कि 0.3 ये मैंने ऐड किया, कितना हो गया 5 और 3 8। ठीक है, मैंने क्या किया 3.5 ये इनर पोर्शन लिया आपके बेडरूम का, 4 मीटर का ये इनर पोर्शन लिया, और बीच की जो ये वॉल है ये ली है। ठीक है, इन सबको ऐड किया मैंने, 5 और 3 8 हो गया, 3 और 4 7 हो गया, इतना मीटर आ गया मेरे पास। ठीक है, इतना मीटर आ गया मेरे पास, क्या आई एल, सबसे पहले ये समझो एल कितनी आई मेरी ये। अब इसी प्रकार से 3.5 ये, और किचन की विड्थ 2.5 ये, अब बी भी टोटल देख लो, बी भी टोटल देख लो, और एक वॉल बीच में आ रही है, कितनी है आप इस साइड से लो चाहे इस साइड से ले लो, कितनी हो गई 3.5 बी हम निकाल रहे हैं, और 2.5 इसकी किचन की आ जाएगी 2.5, और इनके बीच में एक वॉल आ रही है 0.3 5 5 10 और 3 कितने हो गए 13, यानी कि 1 और 3 5 3 2 5 और 6 6.3 मीटर आपकी बी आई है, किसके साथ प्लस वॉल, प्लस वॉल के साथ मैंने आपकी जो दिखाई है टोटल बी दिखाई है। ठीक है, ये समझना, अब हमारे पास बी आ गई और एल आ गई। ठीक है, यानी कि कितनी हमें टोटल लेंथ खींचनी है और कितनी विड्थ लेनी है, ये हमारे पास टोटल आ गई। अब क्या करते हैं, 6 मीटर और 7.5 मीटर ये एक्चुअल है, हमें क्या मानना पड़ेगा, स्केल माननी पड़ेगी। ठीक है, तो हम स्केल मानते हैं, मैं स्केल यहाँ पर दिखा रहा हूँ आपको, स्केल माना, स्केल 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर।
हम थोड़ी बड़ी स्केल मान के लेके चल रहे हैं, जिससे आपको पूरा ड्रॉ करके दिखा सके। अब देखिए, सिक्स लेंथ हमारी कितनी है, 7.8। तो मैंने 7.8 को सेंटीमीटर में बदला तो कितना आ गया, ठीक है, 780 सेंटीमीटर। मैंने डिवाइड किया 25 से, ठीक है, आप कैलकुलेटर का यूज़ कर सकते हैं। जिस समय मैं इसको डिवाइड करूँगा, 780 को 25 से डिवाइड किया मैंने पास, तो मेरे पास आ गया कितना, 13.12 सेंटीमीटर। क्लियर है। इसी प्रकार मैंने बी लिया, ये मेरे पास क्या आ गई, एल आ गई। क्लियर। इसी प्रकार मैंने बी को लिया, बी मेरे पास है, इसको मैंने सेंटीमीटर में चेंज किया, ये मेरा सेंटीमीटर में आ गया। 25 से मैंने जब इसको डिवाइड किया, अब आप 25 से इसको डिवाइड कीजिए, 25 से 630 डिवाइडेड बाई 25। क्लियर है। ये हमारे मेरे पास आया 25.2, ठीक है, विद प्लस वॉल, ठीक है, ये ध्यान रखना, विद प्लस वॉल क्या आया, इतना आया। अब मैं इसको यहाँ से रफ कर देता हूँ, इस प्रकार से आप ऐड करिएगा। अब देखिए, अब हम चलते हैं आगे। आगे चलने के लिए मैं सबसे पहले लेंथ लेनी है, ठीक है, इनर में लेंथ ले रहा हूँ, यहाँ से मैंने इनर लेंथ ली, कितनी लेनी है, 31.2। अब देखिए, मेरी जो स्केल है 25 की है, 25 ही है, और 25 में 6.2 अगर मैं जोड़ दूँ, यानी कि 20 है और 6.2 यहाँ पर आपका टोटल, तो ये मेरा हो गया 31.2। क्लियर है। अब इसमें 25.2 मैंने क्या किया, लेंथ ऐड की 25, तो यहाँ से लेके यहाँ तक मेरी 15 सेंटीमीटर। 15 में मैंने कितना, 10 और ऐड किया, 10 मेरा, 10 ये हो गया मेरा, ठीक है, 10 मैंने ये ऐड किया, 10 ऐड करने के बाद 10 में 2 पॉइंट और ऐड कर दिए, ठीक है, 10.2 और 15 कितने हो गए मेरे, 25, ठीक। अब ये पोर्शन हमारा बन गया प्लान का इनर पोर्शन। अब हमें इसके आउटर वॉल दिखानी है, ठीक है। अब आपको करना क्या है, ये लाइन लाइट पेंसिल से ड्रॉ करनी है, क्योंकि आपको बीच में वॉल भी काटनी होगी, ठीक। इस प्रकार से हमने ड्रॉ किया इस पोर्शन को, क्लियर है, इस प्रकार से हमने इस पोर्शन को ड्रॉ किया, ये मेरे पास आ गया टोटल इनर विद वॉल के साथ, ठीक है। अब मेरी आउटर, मैं वॉल ले रहा हूँ, वॉल मुझे कितनी दी है, 30 सेंटीमीटर की, 30 सेंटीमीटर को मैंने डिवाइड किया 25 से, 25 से मैंने 30 सेंटीमीटर को डिवाइड किया, तो मेरे पास कितना आ रहा है, मैंने देखा 30 डिवाइडेड बाई 25 इजकल टू 1.2, कितना, 1.2 सेंटीमीटर। तो मैं 1.2 सेंटीमीटर की क्या ड्रॉ करूँगा, वॉल ड्रॉ करूँगा 1.2 सेंटीमीटर। तो अब हम क्या करते हैं, अब आउटर साइड में 1.2 सेंटीमीटर डिस्टेंस लीजिए, ये मेरा 1.2 सेंटीमीटर है यहाँ पर, क्लियर है, 1.2 सेंटीमीटर। तो 1.2 सेंटीमीटर में मैंने दिखाई वॉल, क्लियर, इस प्रकार से 1.2 सेंटीमीटर में, इस साइड भी मैंने 1.2 सेंटीमीटर पर पॉइंट मार्क किया, क्लियर है, और ये लाइन ड्रॉ की इस प्रकार, ठीक है। जैसे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, आप प्लान को इस प्रकार से ड्रॉ, सेक्शन कैसे ड्रॉ कीजिए, ठीक है। अब इसी प्रकार इस साइड आइए, इस साइड आए, हमने 1.2 पे पॉइंट मार्क किया और ऊपर लेकर इस प्रकार गए, जो एक्स्ट्रा हमारा है उसको रब कर दीजिएगा, इस प्रकार से हम ऊपर लेकर गए, ठीक है। ऐसे ही हमने क्या किया, 0.2 ऊपर की ओर भी मार्क किया और ऊपर भी इसी प्रकार हमने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब ये भी पॉइंट को यहां मिला दीजिए, ये मेरी आउटर वॉल कंप्लीट हो गई।
अब ये इनर पोर्शन जो हमने बनाया है, ये बनाया है विद वॉल के साथ। अब हमें क्या है कि इसको पार्टीशन में डिवाइड करना है, बेडरूम के जो बेडरूम है और किचन किचन के। ठीक है, सबसे पहले हम विड्थ ले लेते हैं, 3.5 विड्थ इधर है, 3.5 विड्थ इधर है, तो हमें बीच का पार्टीशन वॉल मिल जाएगी। ठीक है, जो डिवाइड हो जाएगी नीचे पोर्शन और ऊपर पोर्शन को। ठीक है, सबसे पहले ये देखना हमें चाहिए कि पूरी एक कोई लाइन, पूरी एक कोई वॉल सीधी ड्रॉ हो रही है। बिल्कुल हो रही है, 3.5 की हमारी विड्थ ये है, 3.5 की विड्थ हमारी ये है। तो 3.5 हमने लिया, 3.5 हमने जब लिया, 3.5 मतलब आपका 3.5 मतलब 350 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 25। अब 350 सेंटीमीटर को जब मैंने डिवाइड किया, 350 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 25 इज इक्वल टू आया 14 सेंटीमीटर। डिवाइड करने के बाद बी मेरे पास कितनी है, 14 सेंटीमीटर। अब मैं यहाँ से 14 सेंटीमीटर नीचे ले रहा हूँ। ठीक, अब मैंने क्या किया, 14 सेंटीमीटर क्या लिया, नीचे लिया। अब देखिए 14 सेंटीमीटर ये मेरा है, यहाँ से 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर यहाँ, और सीधी लाइन इस प्रकार ड्रॉ कर दीजिए, सीधी लाइन इस प्रकार ड्रॉ कर दीजिए। अब देखिए हमारी वॉल कितनी आई है, 1.2 सेंटीमीटर की हमारी वॉल है, तो यहाँ से लो 1.2 सेंटीमीटर, 1.2 सेंटीमीटर ये मेरा है 1.2 सेंटीमीटर। तो 1.2 सेंटीमीटर पर एक लाइन ऐसे ड्रॉ कीजिए। ठीक है, डोर हम सब बाद में बनाएंगे। अब देखो 1.2 सेंटीमीटर लिया, जो ये मेरा यहाँ पर आया है, अब इसको रब कर दीजिए वॉल का ज्वाइंट दिखाने के लिए। ठीक है, इस प्रकार से आपको रब करना पड़ेगा, ये हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें जो बीच की, दोनों के बीच की पार्टीशन वॉल थी जो हमने ऐड करके यहाँ पर दिखाई थी, ठीक है, 30 सेंटीमीटर की, वो देख लेते हैं। 3.5 इधर से 3.5 लीजिए, 4 ऑटोमेटिक बच जाएगा आपका। अब 3.5 मतलब 14 सेंटीमीटर। ठीक है, 3.5 हमारा, 3.5 3.5 का ये बेडरूम है, क्लियर है। तो हमने इसमें कितना लिया, 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आइए और 14 सेंटीमीटर ऑफ पॉइंट लगाइए और वॉल ड्रॉ कर दीजिए इस प्रकार, ऐसे वॉल ड्रॉ कर दीजिए। हमने यहाँ पर इस प्रकार वॉल ड्रॉ की, और वॉल कितनी है आपकी, 1.2। तो 1.2 की ये वॉल आप यहाँ से इस प्रकार शो कर दीजिए। ठीक है, और बीच में जो जंक्शन है ये यहाँ पर, इसको रफ करें, यहाँ पर इसको रफ करें। ठीक है, अब आपका एक बेडरूम ये बन गया, एक बेडरूम ये बन गया। डोर और विंडो हम बाद में आपको काट के दिखाएंगे किस प्रकार से काटते हैं। इसी प्रकार हम चलते हैं, यहाँ पर हमारी विड्थ इतनी हो गई, मगर हमारी बाथरूम की लेंथ कितनी है, 1.5। ठीक है, पहले एल इंटू बी जो मैंने यहाँ पर लिखा है, इसी के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। अब लेंथ हमारी कितनी है, 1.5। 1.5 हमारी क्या हो गई, लेंथ बाथरूम की। तो हमने इसको सेंटीमीटर बदला, तो 150 डिवाइडेड बाई 25। जब हमने 25 को डिवाइड किया तो हमारे पास आ जाएगा 6। ठीक है, 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर हमें क्या चलना है, इस साइड चलना है। तो 6 सेंटीमीटर यहाँ से मैंने 6 सेंटीमीटर जब लिया, 6 सेंटीमीटर मैंने यहाँ पर लिया ऐसे, और लाइन ड्रॉ की ये। तो ये लाइन ड्रॉ करने के बाद मैंने क्या किया, लाइन ड्रॉ करने के बाद 1.2 सेंटीमीटर की मैंने वॉल दिखाई, क्योंकि हमारी टोटल वॉल कितनी है, ओल्ड वॉल इज 13 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर मैं इसको इधर सरफ कीजिए और ये इधर सरफ कीजिए, कोई कन्फ्यूजन। विड्थ हमारी कितनी है, 1.25 सेंटीमीटर का बरामदा है जो बच जाएगा। अब किचन की देखिए, किचन की लेंथ कितनी है, 2.5। 2.5 इज इक्वल टू, अब इसकी भी किचन की लेंथ को 2.5 यानी कि 50 सेंटीमीटर और डिवाइडेड बाई 25, तो कितना आ गया, 10 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, इस साइड से आइए और 10 सेंटीमीटर ड्रॉ कीजिए, यहाँ से 10 सेंटीमीटर, और ये लाइन यहाँ पर ड्रॉ की, और आपकी आउटर वॉल कितनी है आपकी, 1.2। 1.2 की आपने लाइन ड्रॉ की इस प्रकार, क्लियर है। अब इसको यहाँ रब कीजिए और इसको यहाँ रब कीजिए, क्लियर। इस प्रकार से आपका ये जो हमने दिखाया, ये वॉल हमारा, अब ये हमारा कंप्लीट हो गया। मगर अब हमें क्या करना है, अब इसमें हमें डोर और विंडो
आपको काट के दिखानी है, ठीक है, डोर और विंडो काट के दिखानी है। तो मैं ये रब कर दूँ, ये मैं रब कर देता हूँ। अब हम देखते हैं डोर और विंडो काट के। अब देखिए, अब सबसे पहले आप हम मैं आपको समझता हूँ हम डोर कैसे दिखाते हैं। मैं डोर दिखा रहा हूँ, जैसा डोर का जो हम स्टैंडर्ड साइज लेते हैं 1.20 × 2.10 मीटर का लेते हैं, ठीक है। ये हम जो लेते हैं, जैसा आपका बेडरूम हो गया, ठीक है, ड्राइंग हॉल हो गया, उनके लिए, ठीक है। तो और D1 डोर जैसे किचन और आपकी क्या हो गए, किचन और आपकी बाथरूम हो गई, इसके लिए हम लेते हैं 0.90 × 2.10 मीटर, ठीक है। स्टोर में भी ये ले लेते हैं, ठीक है, इससे भी कम साइज का। ऐसे ही विंडो, अब हम ले रहे हैं विंडो, विंडो में आपको दिखा सकता हूँ 1.20 × 1.50 मीटर में, और 1W1 हम ले सकते हैं 1.20 × 1.20 मीटर की विंडो दिखा सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से हम वेंटिलेशन, ठीक है, वेंटिलेशन दिखा सकते हैं। वेंटिलेशन हम 60 mm × 80 mm, यानी कि 60 cm × 80 cm की हम क्या वेंटिलेशन दिखा सकते हैं, ठीक है। तो ये हमें दिखाना है, हमें सिर्फ यहाँ पर अब क्या करना है। अब हम देखें, ये मेरा क्या है, बरामदा है, ठीक। बरामदे में मैं पूरी एंट्री ऐसे दिखा रहा हूँ, ठीक है, बरामदे में पूरी एंट्री ऐसे दिखा रहा हूँ। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर स्टेयर बनानी पड़ेगी, और जिससे भी मैं स्टेयर बनाऊँगा तो ये लाइन मैं दिखाऊँगा डॉटेड, क्योंकि मैं पूरे पोर्शन को आपको यहाँ पर स्टेयर हम लेके आएंगे। तो आपको इस प्रकार से डॉटेड लाइन दिखानी है इसको रब करने के बाद। क्लियर सी बात है, ये आपने डॉटेड लाइन दिखाई। अब मैं आपकी जो स्टेयर की, ठीक है, एक तो होती है राइज, एक होती है ट्रेड, ठीक है। ट्रेड जो दिखा रहा हूँ, ट्रेड में दिखा रहा हूँ 30 सेंटीमीटर की। 30 आपको क्या दिखाई देगा, ट्रेड दिखाई देगा। ऊपर से जब आप देख रहे हैं तो ट्रेड आपको दिखाई दे, ट्रेड आपको दिखाएगा 30 सेंटीमीटर का। मैं ट्रेड दिखा रहा हूँ, जब मैंने 30 को डिवाइड किया था 25 से तो मेरे पास आया था 1.2 सेंटीमीटर। तो हमें क्या करना है, ये भी हमें क्या करनी है, यहाँ से लीजिए और इसको भी डॉटेड दिखाइए। ये डॉटेड का मतलब होता है कि ये पोर्शन यहाँ पर ओपन है, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने 30 सेंटीमीटर यानी कि 1.2 का स्टेयर दिखा रहा हूँ, ये मैंने लिया यहाँ से यहाँ तक, और ये मेरा 1.2 सेंटीमीटर का स्टेयर यानी कि पौड़ी हो गई। एक और दिखा देते हैं हम, फिर यहाँ पर ऐसे लिया और 1.2 सेंटीमीटर की स्टेयर ये हो गई, ठीक है। अब देखिए, मैं इस पोर्शन पर इस प्रकार से एक कॉलम शो कर रहा हूँ, ये मेरा कॉलम है, ठीक है, जो मैंने इस प्रकार बनाया। आप इसी प्रकार इस साइड भी मैं कॉलम शो कर सकता हूँ, ठीक है, इस प्रकार से मैंने इस साइड भी कॉलम शो किया। ओके, ये हमारा एंट्री पोर्शन हो गया इधर से, ठीक है, ये मेरा क्या है, बरामदा है। ओके, अब हम देखते हैं हम पार्टीशन किस प्रकार से डोर के दिखाते हैं। अब मैं डोर इधर दिखाऊंगा तो इधर मेरा किचन हो गया, मैं डोर इस साइड दिखाऊंगा तो इधर मेरा क्या, इधर मेरा किचन हो गया, इधर मेरा बाथरूम हो गया, ठीक है। अब देखिए, हमारा यहाँ पर मैं अगर मैं डोर यहाँ पर काट दूँ, मैंने डोर, मुझे आसानी के लिए मैंने एक डोर यहाँ पर काटा, अभी कोई लेंथ नहीं, इस प्रकार से, ठीक है। तो इसको यहाँ से हम रफ कर दें, ठीक है, जिस प्रकार से मैं काट के दिखा रहा हूँ आप इस प्रकार से काटिए। ये मेरा ये पोर्शन हो गया। अब इस साइड भी हमने ये लाइन और यहाँ भी एक डोर आपको पोर्शन में काट के दिखाया, और इसको भी यहाँ से रब कर दीजिए। क्लियर है। अब जो ये मेरा डोर है, ये है डी डोर, ये भी डी और ये भी डी, कोई कंफ्यूजन, ठीक है। अब किचन और बाथरूम में हमारा D1 डोर आ जाता है। तो हमें देखो, आसानी के लिए यहाँ से आके यहाँ तो दिखाएंगे नहीं, हमें क्या करना चाहिए, हमें आसान बनाना होता है कोई भी, जैसे इस आपके बेडरूम से मैं डायरेक्ट बाथरूम में चले जाओ, इस साइड भी और इस साइड में। तो मैं डोर कहाँ पर दिखाऊंगा, मैं डोर दिखाऊंगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये लाइन यहाँ ड्रॉ कीजिए और एक डोर काट दीजिए यहाँ पर, ठीक है, एक डोर यहाँ पर। अभी इसकी कोई लेंथ नहीं होती, आप डोर दिखा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको एक्चुअल लेंथ यहाँ पर शो करनी होती है। ये आपका D1 डोर हो गया। इसी प्रकार
इस साइड इसको यहाँ ड्रॉ कीजिए और एक डोर यहाँ काट के दिखा दीजिए और ये पोर्शन कर दीजिए रफ। क्लियर है, ये आपका भी D1 डोर हो गया। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं ना। अब देखिए, अब ये मेरा क्या है, आपका बाथरूम है, तो बाथरूम में आप विंडो तो दिखाएंगे नहीं, तो वेंटिलेशन शो कर दीजिए आउट की वॉल। इसके जिस साइड में आपकी स्टेयर है तो इधर रोड होगा, तो रोड की इस साइड में वेंटिलेशन शो कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पर मैं वेंटिलेशन शो कर रहा हूँ मिड पॉइंट में, यहाँ से लेके यहाँ तक। अब जब हम वेंटिलेशन शो करते हैं तो वेंटिलेशन का सिंबल कैसा होता है, इस प्रकार का हमारा वेंटिलेशन का सिंबल होता है। और यहाँ पर लिख दीजिए, यहाँ पर लिख दीजिए V फॉर वेंटिलेशन। ठीक है, अब ये किचन है, किचन में W1 मैं क्या विंडो दिखा सकता हूँ, तो मैं इस साइड में यहाँ पर एक विंडो शो कर देता हूँ, एक विंडो यहाँ पर शो कर देता हूँ इस प्रकार की। विंडो कैसे सिंबल दिखाते हैं, इस प्रकार के हम सिंबल होता है। और ये आपका क्या है, W1। ओके, अब देखिए हमारा डोर D1 D2 और ये डोर कट गए। अब हमको क्या है कि बेडरूम में मैं क्या दिखाना चाहता हूँ, विंडो दिखाना चाहता हूँ, इस साइड विंडो दिखाना चाहता हूँ, इस साइड विंडो दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, आप मिड पॉइंट पकड़ते हैं आपके डोर का और क्या दिखा देते हैं, एक विंडो शो कर देते हैं। यहाँ पर एक विंडो इस साइड में हम लगा रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पर भी एक विंडो इस साइड में हम लगा रहे हैं। ठीक है, और सिंबल क्या होता है, इस प्रकार से हम, ये होता है आपका विंडो का सिंबल। इसी प्रकार हम इस साइड भी विंडो दिखा रहे हैं। क्लियर है, यानी कि W और W। क्लियर है, ये हमारा हो गया। इस प्रकार से हम प्लान तैयार करते हैं। अगर हमें अलमीरा भी दिखाना है, ठीक है, अगर हमें अलमीरा भी दिखाना है तो हम अलमीरा भी इसमें शो कर सकते हैं। कैसे हम शो करते हैं अलमीरा, मैं बनाना चाह रहा हूँ एकदम अपने डोर के सामने एक अलमीरा दिखाना चाह रहा हूँ। क्लियर है, तो मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं एक डोर के सामने अपने अलमीरा दिखाना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पर हम अलमीरा दिखा सकते हैं। ठीक, यहाँ पर मैं अलमीरा दिखा सकता हूँ ऐसे, अंदर की ओर लीजिए 5 mm, ऐसे मैंने ये लिया। ठीक है, और ऐसे ही इस साइड में मैं दिखा रहा हूँ, ऐसे ही अंदर की ओर लिया मैंने 5 mm, और ये अलमीरा मैंने यहाँ पर भी शो कर दिया। ठीक है, और ये मेरा क्या है, ए, यानी कि ये अलमीरी है, अलमीरा है मेरा। अब अलमीरा हम कितना लेते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर कितना लेते हैं, 1.20 × 1.80 meters का। ठीक है, ये हमें लिखनी है, ये हमें लिख के दिखानी है। यहाँ पर मैं आपको लिख के इस साइड में शो कर देता हूँ इसको। ठीक है, मुझे अब यहाँ पर आपको प्लान बना के दिखाना होगा क्योंकि सेक्शन हमारा बन गया है। ठीक है, मैं इस डिटेल को कहाँ पर ले देता हूँ, इस साइड में। ठीक है, क्योंकि आपको ये एग्जाम में लिखनी होती है कि मैंने किस डिटेल पर आपका पूरा शो किया है। डोर मेरा क्या है, डी डोर मैंने लिया है 1.2 × 2.10 meters। क्लियर है, D1 जो डोर मैंने लिया है ये कितना लिया मैंने, 0.90 × 2.10 meters का। ओके, अब मैंने विंडो जो शो की है W1, W शो की है मैंने 1.2 × 1.50 meters। ओके, ऐसे ही मैंने W1 जो शो किया है कितना है, 1.20 × 1.20 meters। ठीक है, ओके बेटा, अब ऐसे ही हमारा वेंटिलेशन जो मैंने शो किया है, वेंटिलेशन में शो कर रहा हूँ, यानी कि मैं इसको मीटर में शो कर देता हूँ, 0.6 × 0.80 meters कि मैं मीटर में शो कर रहा हूँ। अलमीरा मेरा 1.20 × 1.80 meters का है। ठीक है, ये डिटेल आपको लिखनी होती है। ठीक,
मैं इसको अब यहां से नीचे से रफ कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं ना। मैं यहां से इसको रफ कर देता हूँ। अब रफ करने के बाद मुझे बनाना है यहाँ पर प्लान। प्लान बनाने से पहले हमें देखना है कि हम सेक्शन को कहाँ से काट रहे हैं। ठीक, काटने से पहले मैं कुछ डिटेल है जो हमारी थी वो हमें इसमें फिल कर देनी है। क्या फिल कर देना है? मेरा ये क्या है, मेरा बेडरूम, ये मेरा क्या है बेडरूम। किस साइज का था हमारा ये? 3.5 × 3.5 मीटर, ये आपको लिखना है। इसी प्रकार से ये भी हमारा क्या था, बेडरूम। इसका साइज क्या था? इसका साइज था हमारा 4 × 3.5 मीटर। ओके, इसी प्रकार से हमारा ये क्या था, बाथ और WC, बाथ और WC। इसका साइज क्या था? 1.5 × 2.5 मीटर, ये हमने लिख दिया। अब हमारा क्या था, ये था हमारा बरामदा, ये हमारा क्या था, ये हमारा बरामदा था। ये कितना था हमारा, 2.5 वाइड, 2.5 वाइड। क्लियर सी बात है। अब इसी प्रकार से हमारा ये किचन है। ठीक है, पूरी वीडियो अच्छी तरीके से देखिए, आपको कंप्लीट समझ में आ जाएगा इस प्रकार से बनाना चाहिए तसल्ली के साथ। ठीक है, और 2.5 मीटर, क्लियर सी बात है। ये हमारा बन गया, तो हमारा क्या बन गया, सेक्शन। ये हमारा सेक्शन बन गया और इस सेक्शन को हमें काट के दिखाना है। अगर आपको एग्जाम में दिया है काट के तो बहुत अच्छी बात है। जैसे यहाँ पर मैं इसको इस प्रकार से ऐसे कटा हुआ था, ये यहाँ पर सेक्शन आपका ऐसे, ये सेक्शन कटा हुआ था ए ए ए ए सेक्शन कटा हुआ था। तो हम इस सेक्शन को यहाँ पर इसी प्रकार से काट के दिखा रहे हैं, देखो, जिसमें हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल दिखा सकते हैं। मैंने सेक्शन को यहाँ पर इस प्रकार से सेक्शन को काटा, ये सेक्शन को, और हम इसको इसका प्लान ड्रॉ करेंगे। ऐसे ऐसे सेक्शन काटा, तो यहाँ पर मेरा, हम इस साइड से देख रहे हैं, ये मेरा ए है, और इधर से ये, हम नीचे की ओर से सेक्शन को देख रहे हैं। अब देखिए इमेजिनेशन, अब जब मैंने ये सेक्शन को यहाँ से कट करके दिखा रहा हूँ, मैंने यहाँ से कटिंग की और कटिंग करके देख रहा हूँ, तो अब हमें इमेजिनेशन करना है कि मैं बिल्डिंग जो मैंने प्लान बनाया है, ये सेक्शन बनाया है, मैंने इसको काट कर यहाँ से गेर दिया है नीचे। ठीक, अब देखिए आपको क्या क्या शो होगा। अब आप इधर खड़े हैं, खड़े होने के बाद इस प्लान, इस सेक्शन को देख रहे हैं। जब इस सेक्शन को आप देख रहे हैं तो आपको क्या दिखाया जाएगा, ये पोर्शन तो कट के काट दिया हमने, इस पोर्शन को काट के साइड कर दीजिए, यहाँ से नीचे के पोर्शन को, नीचे के पोर्शन को काट के साइड कर दीजिए। अब आपको शो देखना है क्या क्या आपको शो हो रहा है। अब ये इधर एक वॉल आपको दिखाई देगी, जिस वॉल में आपको क्या शो हो रही है, विंडो शो हो रही है। क्लियर है? अब यहाँ पर जब आगे आप आए तो एक अलमीरा आपको दिख रही है यहाँ पर खड़े होने के बाद। अब एक आपको वॉल दिखाई दे रही है इन दो अलमीरा के बीच में, फिर आपको एक अलमीरा दिखाई दी, फिर आप थोड़ा आगे चले तो फिर इस वॉल में आपको एक विंडो शो हो रही है। ठीक है, यही सब कुछ हमें ड्रॉ करना होता है, जो हमें दिखाई दे रहा है उसको ड्रॉ करना होता है। अब वो ड्रॉ करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें बनाना होगा इसका प्रोजेक्शन लाइन, नीचे लेकर आएंगे हम। क्या कर रहे हैं, मैं इसकी यहाँ से लिया पॉइंट और प्रोजेक्शन लाइन नीचे ड्रॉ कर रहा हूँ इस वॉल को, क्योंकि हमें वॉल बनाने की फिर ज़रूरत नहीं होगी। ये मैं इसकी प्रोजेक्शन लाइन इस प्रकार नीचे लेकर आया, इस साइड, आसान तरीका बता रहा हूँ आपको बनाने का, इस साइड से भी मैंने ये लाइन ली और इसकी प्रोजेक्शन लाइन को मैं नीचे लेकर इस प्रकार से आया। जितनी हमें वॉल दिखाई दे रही है उनकी प्रोजेक्शन लाइन नीचे लेकर आइए। ठीक है, एक वॉल ये दिखाई दे रही है, एक आपको पार्टीशन वॉल, दोनों के बीच की जो पार्टीशन वॉल बन रही है बेडरूम के बीच की, वो आपको शो हो रही है। तो यहाँ पर आप आइए, यहाँ पर हमने आया और एक यहाँ पॉइंट लगाया, और यहाँ पर आए एक पॉइंट यहाँ लगाया, ये हमारी बीच की जो वॉल थी वो हमें शो हो रही थी। तो अब इसकी भी प्रोजेक्शन लाइन नीचे ऐसे लेकर हम आए, जहाँ से हमें रब करनी होगी हम रब कर देंगे, अभी हम बनाते हैं। ठीक है, पूरे वीडियो ध्यान से और तसल्ली पूर्वक देखिए, कंप्लीट आपको पूरी समझ में आ जाएगी किस प्रकार से सेक्शन और प्लान ड्रॉ करते हैं हम किसी भी बिल्डिंग के लिए। अब ये जो वॉल है आउटर वॉल, इसकी भी प्रोजेक्शन हमने लाइन ली यहाँ से, इस प्रकार से, इस प्रकार से प्रोजेक्शन लाइन लेकर आए। क्लियर है?
ये ड्रॉप किया। अब हमारी जो ये वॉल थी पूरी प्रोजेक्शन लाइन, हमने ये वॉल पूरी कंप्लीट इस प्रकार कर ली, ठीक है, ऐसे ऐसे ही कंप्लीट किया, ठीक है। अब हमारी ये कंप्लीट इस प्रकार ये तीनों प्रोजेक्शन लाइन आ गई, ठीक है। अब हम नीचे छोटा सा पोर्शन फाउंडेशन, क्योंकि नीचे फाउंडेशन होगी, फाउंडेशन के ऊपर ही हमारा क्या होता है आपका पूरा कंप्लीट फ्लोर के बाद आपकी डोर विंडो डोर और जो हमें स्लेब दिखानी है वो कंप्लीट दिखाई जाती है, ठीक है। अब छोटा सा पोर्शन हम क्या कर देते हैं नीचे फाउंडेशन का काट के दिखा देते हैं, माने यहाँ पर हमारा फाउंडेशन का पोर्शन होगा, ठीक है। ये हमारा फ्लोर लेवल ले रहे हैं हम, यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं फ्लोर लेवल लेके चल रहे हैं, ये हम क्या लेके चल रहे हैं फ्लोर लेवल लेके चल रहे हैं। अब फ्लोर लेवल लेके चल रहे हैं तो मैं क्या कर रहा हूँ इसको एक नीचे हमारी क्या होती है फाउंडेशन होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम फाउंडेशन शो करना चाह रहे हैं, 2 mm इधर लिया, ठीक है। फाउंडेशन दिखाएंगे अलग से जो हमें बना के दिखाइए, क्योंकि यहाँ पर हम बना नहीं पाएंगे, पर आप अलग से बनाओगे तो थोड़ी अच्छी बनाओगे, ठीक है। ऐसे हमने बनाया, अब ये हम फाउंडेशन शो करना चाह रहे हैं, ये हम फाउंडेशन शो करना चाह रहे हैं आपके फ्लोर से नीचे, ठीक है। फ्लोर से नीचे हम क्या शो करना चाह रहे हैं फाउंडेशन, फ्लोर से नीचे हम फाउंडेशन शो करना चाह रहे हैं, ठीक है। फ्लोर से नीचे हम ये फाउंडेशन शो करना चाह रहे हैं तो इसको शो कर देते हैं इस प्रकार, हम शो कर देते हैं ऐसे, ठीक है। आपको स्केल की सहायता से मैं रफली फ्री हैंड दिखा रहा हूँ, ये फाउंडेशन ऐसा बनाइए और इसको यहाँ शो कर दीजिए, इसको यहाँ पर नीचे, इस आपका ड्राफ्टर नहीं चल रहा है तो मैं इसलिए ऐसे दिखा रहा हूँ, ये इधर लिया और आपकी ये फाउंडेशन हमने इस प्रकार दिखाई, ठीक है। यहाँ पर कोई कन्फ्यूजन नहीं ना, अब चलते हैं ऊपर, अब चलते हैं ऊपर, ये हमारा फ्लोर लेवल हो गया, फ्लोर लेवल से ऊपर चलते हैं। फ्लोर लेवल से ऊपर आपको इसमें क्या दिखाई दे रही है विंडो, और उस साइड भी विंडो दिखाई दे रही है, ठीक है। अब देखते हैं विंडो आपकी कितनी हाइट पर विंडो लग रही है, ठीक है। विंडो आपकी लग रही है कितनी, यहाँ पर विंडो कितनी है आपका, विंडो का साइज आपका 1.2 × 1.5 और यहाँ पर ये इसका इस विंडो का ये हमें दिखाई नहीं दे रही, तो हमारे ये तो हमें सिर्फ ये देखनी है हमें कौन सा साइज दिखाई दे रहा है 1.2 × 1.5, यानी कि हमारी इतनी एल है और इतनी क्या है एच है जो आपकी हाइट है, सॉरी ये आपकी विड्थ होती है 1.2 आपकी विड्थ है और आपकी हाइट है आपको कितनी 1. हाइट दिखाई देगी। अब देखिए मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, जो हमारे विंडो होते हैं या डोर होते हैं उनकी टॉप हाइट होती है 2.1 हाइट पर हम जो लगाते हैं फ्लोर लेवल से आपको 2.1 कितना 2.10 मीटर की हाइट लेनी है, जो टॉप कॉर्नर होता है आपका किसी भी विंडो का या डोर का, ठीक है, जहां पर आप विंडो या डोर के ऊपर क्या लिंटल डालते हैं, ठीक है। तो अब हमें यहां से आपको 2.1 लेना है, यहां से 2.1 लेना है, तब उसके नीचे हम कितनी हाइट दिखाएंगे 1.5। अब देखिए 2.1 को मैंने सेंटीमीटर में चेंज किया तो 210 सेंटीमीटर हो गया। अब मैंने इसको स्केल में कन्वर्ट कर रहा हूँ, जो मैं स्केल मान रहा था 25 सेंटीमीटर की मैं स्केल लेके चल रहा था, तो मैंने लिया यहाँ पर 210/25 इज इक्वल टू मेरे पास आया 8.4। अब मुझे क्या करना है 8.4 यहाँ से आपको 8.4 की हाइट लेनी है, कितनी ये आई हमारी 8.4, क्लियर, कितने को मैंने डिवाइड किया 210 को डिवाइड किया 25 से, ठीक है 210 को डिवाइड किया 25 से तो 8.4 मेरा फ्लोर लेवल से यहाँ पर आया 8.4 पर यहाँ इस प्रकार से ये ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है। इसी प्रकार से 8.4 इस साइड भी मैंने डिस्टेंस ली 8.4 सेंटीमीटर, तो 8.4 सेंटीमीटर पर यहाँ भी इस प्रकार से लाइन ड्रॉ कर दीजिए, क्लियर है, कोई कन्फ्यूजन नहीं। अब देखते हैं हमारी हाइट कितनी है, जो विंडो हमारी विंडो की हाइट है, क्योंकि यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा लिंटर आ जाएगा 15 सेंटीमीटर का,
15 सेंटीमीटर का क्या आ जाएगा, लिंटल आ जाएगा आपका, लिंटल आ जाएगा 15 सेंटीमीटर का। 15 को जब आप 25 से डिवाइड करोगे, तो पहले लिंटल ही शो कर दो, 15 को आपने 25 से डिवाइड किया, 15 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 25 इज इक्वल टू 0.6 mm। तो 0.6 mm का क्या आया, यहाँ पर हमने लिंटल शो किया, इस साइड आपका लिंटल आएगा 0.6 mm का, और इस साइड भी आपका लिंटल आएगा 0.6 mm का। अब जो लिंटल होता है उसमें क्या करते हैं हम, लिंटल में आपका कंक्रीट वर्क होता है, तो आप कंक्रीट वर्क इसमें शो कर दीजिए, इसमें क्या कर दीजिए, कंक्रीट वर्क इसमें शो कर दीजिए, ठीक है। सनसेट दिखाएंगे आपको निकाल के, इस प्रकार से निकालते हैं। अब देखिए हमें देखनी है हाइट 1.5, क्योंकि हमारी विंडो है 1.5 इस साइज की, तो 1.5 × 150 सेंटीमीटर हमने चेंज कर लिया इसको सेंटीमीटर में, और 25 से जब हमने इसको डिवाइड किया तो 25 × 150 यानी कि 6 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, यहाँ से 6 सेंटीमीटर नीचे आए, कहाँ गया हमारा 6 सेंटीमीटर, ये हो गया 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर नीचे आए और ये यहाँ पर मिलाया, और 6 सेंटीमीटर इधर नीचे आए और ये पॉइंट कहाँ, यहाँ पर मिलाया, क्लियर है। और विंडो का सिंबल शो कर देते हैं, विंडो इस प्रकार से हम विंडो का सिंबल इस प्रकार बना देंगे, इसी प्रकार क्या करेंगे, यहाँ पर आइए और विंडो का सिंबल ऐसे ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है। ये हमारा क्या बन गया, विंडो हो गया। अब देखते हैं हमारा फ्लोर लेवल से आपकी स्लेब जो है, छत जो है, उसकी हाइट कितनी थी। देखिए हाइट यहाँ पर आपको दिखा रखी है, हाइट ऑफ रूम कितनी है, 3.5 मीटर की, 3.5 मीटर यानी कि 3.5 मीटर को हमने सेंटीमीटर में बदला तो 30 सेंटीमीटर, और डिवाइडेड बाई 350 को हमने डिवाइड किया 25 से, ठीक है। अपना कैल्सियम उठाइए, 350 को डिवाइड कीजिए 25, ये आ गया आपका 14 सेंटीमीटर, कितना है 14 सेंटीमीटर। अब 14 सेंटीमीटर यानी कि फ्लोर लेवल पर यहाँ रखिए और यहाँ से हाइट लीजिए 14 सेंटीमीटर, फ्लोर लेवल से ये आया हमारा 14 सेंटीमीटर की हाइट, ठीक है। 14 सेंटीमीटर की हाइट ये हमारी आई, और यहाँ पर शो कर दीजिए एक फ्लोर यानी कि स्लेब, यहाँ पर क्या करनी है, स्लेब वन आउटर वॉल छोड़ गया। अब स्लेब हम कितनी देते हैं, स्लेब हम 12 सेंटीमीटर की स्लेब देते हैं, 12 सेंटीमीटर को डिवाइड कीजिए जो हमारी स्केल है, 12 सेंटीमीटर को हमने डिवाइड किया स्केल से, स्केल हमारी है 25 सेंटीमीटर की, 12 डिवाइडेड बाई 25 तो 4.8 mm, 0.4 mm आया यानी कि 0.4 mm हमारा आया। तो यहाँ से 0.4 mm की हाइट लीजिए और क्या कर दीजिए, स्लेब को सो ये बीच का पोर्शन है, इसको रब कर दीजिए, ठीक है, ओके। और यहाँ पर हमने क्या किया, स्लेब को अभी यहाँ भी जो बीच का पोर्शन था इसको रब किया, और ये बन गई हमारी स्लेब, ठीक है। अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं थी, इसकी हमें ज़रूरत नहीं थी, ठीक है, ये मैंने रब कर दिया, ओके। अब देखिए हम पैरापिट हमें दिखानी है, पैरापिट वॉल दिखानी है, पैरापिट वॉल हम आपकी कितनी दिखाते हैं, 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर हाइट की हम पैरापिट वॉल दिखा सकते हैं। तो हमने पैरापिट वॉल दिखाने के लिए जब मैं 60 को डिवाइड कर रहा हूँ, तो 60 को डिवाइड कर रहा हूँ मैं, 60 को मैंने डिवाइड किया कितने से, 60 को मैंने डिवाइड किया, डिवाइड उड़ाई 25, तो मेरे पास आया 2.4। तो यहाँ से आइए और 2.4 की हाइट लीजिए, ये 2.4, ये 2.4 मेरा पोर्शन यहाँ पर आया, और ये मेरी आ गई पैरापिट वॉल। तो एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दीजिए, एक लाइन इस प्रकार ड्रॉ कर दीजिए। अब जो आपका ऊपर का पोर्शन है, इसकी हमें कोई आवश्यकता नहीं थी, जो हम प्रोजेक्शन लाइन ऊपर से लेकर आए थे, इस साइड भी यहाँ पर इसको रखिए और ऊपर की लाइन को रब कर दीजिए, ठीक है, ऊपर जो हमने लाइन बनाई थी इसको रब कर दीजिए, ठीक है। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें हमारा स्लेब है तो कंक्रीट वर्क शो करिए,
इस प्रकार कंक्रीट वर्क सोक कीजिए, ऐसे सो कीजिए, कंक्रीट हमने ऐसे सो की, ठीक है। यहाँ पर कंक्रीट में जो हम कंक्रीट में आप पेस्ट दिखाएंगे, ऐसे पॉइंट पॉइंट करके पेस्ट दिखाइए। ये आपकी बन गई स्लेब, ये आपकी हो गई ऊपर पैरापिट वॉल, ठीक है। ये आपकी हो गई विंडो, ठीक है। नीचे फाउंडेशन हो गई, ये फ्लोर लेवल हो गया आपका, ठीक है। फ्लोर लेवल हो गया, अब हमें क्या दिख रहा है, और अलमीरा दिखाई दे रहा था, ठीक है। अब हमें क्या दिख रहा था, अलमीरा दिखाई देता है, एक अलमीरा इधर, एक अलमीरा इधर। अब देखिए अलमीरा की विड्थ और हाइट, आपको दोनों, आपको विड्थ भी दिखाई देगी और हाइट भी दिखाई देगी, ठीक है। तो हमें क्या, हमने यहाँ पर देखा, हमें अलमीरा कहाँ है हमारा, ये रहा। विड्थ हमारी कितनी है, मैं इस पोर्शन में ये जो हमें यहाँ पर थोड़ा वर्क करना है, मैं इसको रफ कर रहा हूँ, इसको मैंने किया रफ। अब यहाँ पर देखते हैं हमें क्या दिखाई दिया, अलमीरा 1.2 यानी कि 120 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 25 से डिवाइड कीजिए, ये इसको विड्थ दिखाई दी। और हाइट कितनी दिखाई दी है, 1.80 सेंटीमीटर, यानी कि 1.80 को हमने सेंटीमीटर में चेंज किया, 180 सेंटीमीटर, और मैंने इसको 25 से डिवाइड किया। अब देखिए मैं डिवाइड कर रहा हूँ 25 से 120 को, 120 डिवाइडेड बाई 25, तो कितना मेरे पास आया, 4.8 सेंटीमीटर, क्लियर। अब ऐसे ही मैंने डिवाइड किया 180 को, 180 डिवाइडेड बाई 25, इसका रिजल्ट आया 7.2 सेंटीमीटर, क्लियर है। अब देखो यहाँ पर आइए बेटा, अब ये किसके साथ है, इस वॉल के साथ अटैच है, क्लियर है। अब ऐसे ही हमें इसको शो करना है। अब हम क्या होता है कि सेम हाइट होती है आपकी, हाइट कितनी, अलमीरा की हाइट भी आपकी आपकी डोर या विंडो की हाइट के इक्वल होती है, 2.1। अब हम क्या करते हैं, हमें लेने की जरूरत नहीं है, ये इसका कॉर्नर पकड़िए, हाइट इसकी, और यहाँ पॉइंट लगाइए इस साइड भी और इस साइड भी, ठीक है, इसकी हाइट पर। अब देखिए इसकी विड्थ कितनी है, 4.8, तो मेरी ये हाइट है 4.8, ये मेरी चौड़ाई आ गई 4.8, यहाँ पर मैंने लिया 4.8, ये मेरी 4.8 है। अब इस साइड भी मैंने कितना लिया, 4.8, ये मेरी आ गई 4.8, ठीक है, 4.8 इधर, 4.8 इधर अलमीरा का। अब हमें इसकी हाइट कितनी है, 7.2, तो यहाँ से जाइए और 7.2 आपने दिखाया, ये 7.2 इसको यहाँ मिलाया और 7.2 ही अब ये लिया और इसको यहाँ मिलाया, ओके। और क्या शो कर सकते हैं आप इसमें, अलमीरा शो कर सकते हो, कैसे, अलमीरा में एक लाइन ऐसे यहाँ लगाया, एक लाइन यहाँ लगाया, और आप हाफ में कर दो चाहे फुल में कर दो, ऐसे आपने इसको शो किया, ये हमारा क्या है, अलमीरा है। मैं कुछ पॉइंट ऐसे दिखा रहा हूँ, ठीक है, ये मेरा अलमीरा है, ऐसे ही यहाँ पर बनाइए इसको, ये क्लियर है, ये अलमीरा मेरा बन गया, ओके। अब हम क्या इनकी नेमिंग दे देते हैं, ठीक है, इसमें हम नामकरण कर देते हैं कि क्या पोर्शन क्या है। ये मेरी क्या है, ऊपर का पोर्शन ये मेरी यहाँ पर दिखाइए, ये मेरी क्या है, 12 सेंटीमीटर की क्या है, स्लेब, ठीक है। और ये मेरी जो ऊपर पोर्शन दिखाई दे रहा है स्लेब से ऊपर, यहाँ से लेके यहाँ तक का ये पोर्शन क्या है मेरा, पैरापिट, आप सो कीजिए, पैरापिट, ये मेरा पैरापिट हो गया, ये पैरापिट वॉल हो गई, ये मेरी 12 सेंटीमीटर की क्या हो गई, 12 सेंटीमीटर की स्लेब हो गई, ठीक है। अब हमारी ये क्या थी, ये विंडो है और ये भी विंडो है, ठीक है। अब देखिए फ्लोर लेवल हमारा, फ्लोर लेवल में आप दो तीन लेयर दिखा सकते हो जो हम डालते हैं, ठीक है। फ्लोर लेवल में आप ऐसे लेयर शो कर सकते हो, इसलिए मैंने नीचे का पोर्शन ऐसे लिया था, ऊपर फ्लोर फिनिशिंग है,
ये 2.5 सेंटीमीटर की मैं क्या डाला हूँ, आपका सीमेंट कंक्रीट डाला हूँ और 7.5 सेंटीमीटर इसके नीचे लाइम कंक्रीट शो कर रहा हूँ। ठीक है, आप एक एक 2 2 mm के नीचे लाइन ड्रॉ कर दीजिए, अब उन पर लिख दीजिए। और नीचे जो बच जाएगा, नीचे का जो पोर्शन है मेरा, ये सॉइल फिलिंग का है। नीचे जो पोर्शन बच गया, यहाँ पर सॉइल फिलिंग है मेरी। ठीक है, अब ड्रॉ कीजिए, ये यहाँ पर लेकर आइए और लिख दीजिए इसके ऊपर ये क्या है। ये है मेरा फ्लोर फिनिशिंग। सबसे ऊपर क्या है, फ्लोर फिनिशिंग। ओके, अब इससे नीचे जो लेयर मैंने बनाई है ये, ठीक है, ये आपकी है। इसको यहाँ इस प्रकार से लेकर आइए और इस पर लिखिए 2.5 सेंटीमीटर सीमेंट कंक्रीट। अब एक और हमारी रही है, इसके नीचे यहाँ पर आइए और इसको लिखिए 7.5 सेंटीमीटर लाइम कंक्रीट। अब नीचे बच गया आपकी सॉइल फिलिंग। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा ये क्या बन गया, ये हमारा सेक्स, ये हमारा प्लान बन गया, ये हमारा सेक्शन बन गया। अब हाइट हम शो कर देते हैं, हाइट हमारी कितनी है, हाइट यहाँ से लेके आपकी यहाँ तक की हमारी हाइट जो डी थी वो हमें दिखानी है। ये हमारी हाइट कितनी है, ये हमारी हाइट है 3.5 मीटर की। ठीक है, आपकी जो बोली थी ना हाइट ऑफ रूम, ठीक है, ये है। अब एक फाउंडेशन में आपको 90x90 सेंटीमीटर की फाउंडेशन आपको बता चुका हूँ, आप हमारी पिछली वीडियो में फाउंडेशन जाके देख सकते हैं, जो साइड में आप फाउंडेशन ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपको सेक्शन और प्लान बनाना होता है। यहाँ पर आप इसकी हाइट लिख सकते हो, विंडो की, विंडो की हाइट आपकी कितनी है, मैंने जो दिखाई है अभी, अब शो कर सकते हो आप। ये विंडो की हाइट है आपकी, विंडो की हाइट कितनी है हमारी, यहाँ पर आइए और ये विंडो की हाइट शो की दीजिए। विंडो की हाइट हमारी कितनी है, विंडो ये रही, विंडो की हाइट हमारी 1.50 मीटर। इसके ऊपर ये लिंटर है, ऐसे ही एक साइड मैंने दिखा दी, एक साइड दिखाने की जरूरत नहीं है, आप इसकी दिखा सकते हो। ये अलमीरा है, अलमीरा की आप विड्थ शो कर सकते हो, एक साइड की मैं शो कर रहा हूँ, एक आप खुद शो लिख लीजिएगा कितनी है आपकी, 1.2 मीटर, 1.2 मीटर। और इसकी हाइट कितनी है, अलमीरा की हाइट है जो हमने बनाई है, मैं इधर ही दिखा रहा हूँ। ठीक है, इस साइड ही आपको शो कर रहा हूँ, ये अलमीरा की हाइट है। आगे ना ना जो भी नेमिंग आपको दिखानी है वो आप लिख सकते हैं। ये है मेरी यहाँ पर 1.80 मीटर। ठीक है, 1.80 मीटर। इस प्रकार से हमारा क्या, ये हमारा प्लान और ये सेक्शन इस प्रकार से आपका बनेगा। ठीक है, अभी एक दो प्लान और आपको बना के दिखाएंगे किस प्रकार से बनाए जाते हैं। ठीक है, आप इस पूरे लेक्चर को देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। ठीक है, हम आपको अब आपका एक ही मंथ बच रहा है एग्जाम का, क्योंकि फरवरी में आपके एग्जाम होने के चांसेस लग रहे हैं। ठीक है, कंप्लीट इसी प्रकार से हम आपको सारे बताएंगे, जो मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो ज़्यादा वेटेज रखते हैं एग्जाम में आने का, वो सभी क्वेश्चन हम आपको बताएंगे। ठीक है, आज के लिए थैंक यू।